रावण का मुंह उठ गया तो उसके बालों पर कलर किया जा रहा है। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आप सभी लोगों को हैप्पी नवरात्रे। और आज नवरात्रे का है तीसरा दिन, तो अभी हमारी जानी माता की पूजा नहीं हुई है। तो मैं भी, क्योंकि ठंडा मौसम हो रहा, रात को बहुत तेज बारिश हुई थी तो बहुत ही ज़्यादा ठंड हो गई, तो इसलिए मैं नहीं नहाई अभी। और गर्म पानी मैंने लगा दिया, फटाफट काम करते हैं और नहाते हैं और फिर पूजा करते हैं झांझी माता की, और फिर मंदिर में भी पूजा करते हैं। क्योंकि मैंने व्रत नहीं रखा है, क्योंकि मुझे बीपी की दवाई खानी पड़ती है, तो इस वजह से मैंने फास्ट नहीं रखे हैं। चलिए गए तो फटाफट करते हैं घर का काम और फिर आपसे बात। गाइस, मेरा सारा घर का काम हो चुका है और मैंने माता रानी की पूजा भी कर दी है और वहाँ भी मंदिर में पूजा कर दी है, दोनों मंदिरों में पूजा कर दी है। और माता रानी से विशेष भी मांगी सभी के लिए कि सभी को राजी खुशी रखे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं और मेरे ब्लॉग देखते हैं, सबकी मनोकामना पूरी करें माता रानी और सबके घर में सुख शांति रहे। तो अभी टाइम हो रहा है 12:15, तो बहुत देर हो गई मेरे को नहाए हुए और पूजा पाठ करे हुए, और मैंने खाना भी खा लिया है। और तो अब करते हैं रेस्ट, क्योंकि कुछ काम है नहीं हमारे लिए। तो बच्चे आएंगे अब तो तभी थोड़ा सा बिजी होएंगे, क्योंकि अनुराग पहले आएगा 1:15, अब तो है 1 घंटा है उसका आने का, और अनमोल आता 2:15। तो चलिए गाइस, तो फिर हम थोड़ी देर में मिलेंगे। अब कुछ काम है नहीं तो क्या करना है। तो वह जब आ जाएगा तो आज मुझे थोड़ा मार्केट का काम है, तो मैं मार्केट का काम निपटाऊंगी। और हमारे लाली बहुत दिनों से कह रही है कि रामलीला देखने चलो, हमारे यहाँ सीबीडी ग्राउंड में लगता है, तो वहाँ के पासेस आनी बाकी हैं। तो अगर पास आ जाएंगे तो हम लोग जरूर जाएंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे कि हम लोग वहाँ पर कहाँ कहाँ घूमे, क्या क्या देखा, वो आप सबको दिखाएंगे हम। तो अभी पासेस मिले नहीं है, मिल जाएंगे तो फिर हम जाएंगे। रात को लाली कह रही थी रात को 10 बजे के बाद, मैंने कहा नहीं इतना टाइम नहीं, कभी जल्दी काम करके खाना वाना बना के फिर जाएंगे तसल्ली से, ताकि हम लोग भी फ्री रहें काम से और घूम फिरे भी। तो चलिए गए तो फिर मिलते हैं आपसे। हम ये बना रहे हैं रावण, ये रावण का ढांचा बना हुआ है, और इधर बन रहा है रावण का मुंह उठ गया तो उसके बालों पर कलर किया जा रहा है। तो ये चिपकेगा, इसकी मुंडी यहाँ पर चिपकेगी। तो देखिएगा ये इस तरीके से अभी आधा अधूरा है, तो इसके बालों पर कलर किया जा रहा है। तो हमने ऐसे हटा के ये दे दिए लाली को, ये करेगी लाली कलर इस पर। तो अभी इसके अंदर बम पटाखे भी लगाएगी लाली। तो ये सब जो बच्चे मिलके बना रहे हैं, तो अच्छी एक कोशिश है, कोशिश अच्छी है इनकी एक बनाने की। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, ये पूरा प्रॉपर तैयार हो जाएगा तो बहुत ही सुंदर लगेगा। और ये इसका चेहरा जो बनाया है सानू ने बनाया है, मुकुट, ये पूरा फेस उसने सानू ने बनाया है। कलर चैतन्य ने करा है, सब बच्चों के हाथ, सब बच्चों का योगदान है इसमें। जब इसे जलाया जाएगा तो मैं प्रॉपर पूरा वीडियो बनाऊंगी, बच्चों की मेहनत जो दिखाएंगे हम, जो 1 मिनट में ही जल जाएगी। पर उसमें भी एक खुशी होगी, हमने रावण बना के जलाया, नहीं दीदी? हाँ। आज दीदी की तबीयत ठीक नहीं है तो दीदी इसलिए चादर में लिपटी हुई है, ठंड भी लग रही है, ठंडा मौसम तो हो ही गया है। तो देखिएगा बच्चे आ चुके हैं और इनके वजह से मैं आज बैठी हुई हूँ सब्जी के लिए, कि टाइम हो गया 6 बज गए, तो अनमोल जाने को कह रहा मंदिर, क्योंकि हम 2-3 दिन बाहर नहीं जा पाए। हेलो, आज अनमोल को भी लेके जा रहा हूँ, अभी आ जाएंगे। भाई मुझे जाने दो पहले, अम्मा बैठी है ना? नहीं, अगर ऐसे जाना होता तो मैं कब की चली जाती है। बेटा ताला नहीं लगा, तुम्हें पता नहीं है क्या? तो मैं जाऊंगी सब्जी लेने के लिए और बच्चे ट्यूशन से आ गए। चलो हमारे साथ ही चलो ना।
नीचे उठा तो ताले लगा लो। अरे यार मां भूल गया बिल्कुल। और देखना क्या करता है। दियो 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 दियो। तिल्ली लग जाएगी मुंह में। मम्मी हमें ना वो मत अच्छा मत पिलाना चाय पी के। कहां और क्या था लड़की की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रही है ना। किसकी उल्टी पे उल्टी कर रही है। तो उन्होंने कहा कि रुक जाओ तुम मेरे को अकेला थोड़ा डर सा लग रहा है। कौन से मैडम नहीं मैडम की बेटी को सैफी की तबीयत खराब हो रही है। सैफी सैफी कह रही हूँ मैं भी सॉरी सैफी अलमारी वाला था। अच्छा सैफी की तबीयत खराब हो रही है। अच्छा तो तुम भाई हमारा टिफिन तो ले आते दो बिस्किट रख के दिए। अच्छा खा ली नहीं देते नाश्ते में। चलो भाई तो पढ़ाई नहीं हुई ज्यादा। पढ़ाई करी है मम्मी ने मेरा चैप्टर निपटा दिया भाई। मैं मुझे जाने दो मुझे जाने दो। काम हो सकता है हम लोग यहीं रहते हैं। पढ़ने नहीं जाना चाहूंगा। अनुराग अगले बार से ले जाएंगे भाई। 10-15 मिनट तुम रुक जाओ मैं हो ही आती पहले। अरे मम्मी सब्जी में क्या ला रही है। चलो ठीक है 15 मिनट तो फिर मैं इतने घर से पैसे लेकर आ जाऊं। लेके आ जाओ बोल के आ जाओ यहीं आ जाओ फिर ठीक है। आप जाओ सीधा ले आओ सब्जी में क्या लाओगे। क्या लाओ पनीर ले आओ बस पनीर पनीर पैसे देना हमें पनीर दे दो यार पनीर पनीर बना ले लाज। देखिए गाइस मैं ले आई हूँ सब्जी गोभी लाई 1 किलो बीन्स हरी मिर्ची शिमला मिर्ची और आलू लाई 2 किलो और लाली आगे रोज पीछे पड़ रही है रामलीला देखने। रामलीला पास मिल ही गया इसको आज हम जाएंगे ही देखते। अभी अनमोल के पापा भी नहीं आए 7:30 होने वाले हैं 7 बज गए। वैसे भी बहुत बड़ा पैर है तुम्हारा। ने कह दिया कि जाना है अब जाएंगे कहाँ दूर 11-12 बजाएगी है हमें। तू तो सोती रहेगी हमें सुबह उठना बच्चों को भेजना ट्यूशन काम करके सो जाना स्कूल। हाँ सो नहीं तो काम करके सो लो। रोज जिद कर रही है रामलीला देखने को। देखते हैं जाते नहीं जाते अभी उसके पापा क्या कहते हैं। पापा जी घूमने चलेंगे। लो आगे वो बैंगन के साथ खा ले लाली खा लिया। आई पी पास आ चुका है। ये है VIP पास ये देखिए। ये भी नाम पढ़वा तो लाली लेकर आ गई है VIP पास। तब से जाएंगे हम और आज है सीता स्वयंवर स्वयंवर स्वयंवर। अरे वो बिंदु की गलती हो जाती है। हेलो गाइस देखिए शाम के बज रहे हैं 8:30 और अब आखिरकार हमारी बहन जो थोड़ी सी बच्ची है अब वो करने जा रही पूजा। मैं आरतरी आरता तो बोल ले मेरे को नहीं आता आरतरी आरता मेरे को नहीं पता। अब वो नहीं आएगी वो बहन है बन गया है। तो आलू गोभी बनाए थे देखिए दही के अंदर मिला के खा रहे हैं। कैसी लग रही है अनमोल। हम लोग आलू गोभी में दही मिला के जब खाते हैं
और वो दोनों जने खा चुके हैं बाबेटे और हम लोगों ने दोनों ने खाया खाना। तो देखिए गाइस हम जा रहे हैं मेले में रामलीला देखने के लिए और लाली कह रही थी तो अच्छा नहीं लग रहा, बार बार बोल रही थी बेचारी। तो हम अब टाइम लोग ज़्यादा हो गया, वैसे 10 बज चुके हैं और चलते देखते हैं। दीदी भी जा रही है, आशा दीदी अनमोल के पापा नहीं जा रहे। देखिए गाइस हम लोग निकल चुके हैं, आशा दीदी भी जा रही है। आशा दीदी भी चल रही है हमारे साथ में। अरे रात का टाइम है, चल देते हैं, थोड़े जिद कर रहे हैं बच्चों और कुछ नहीं है इसलिए जा रहे हैं। तो कल हम अगर गए तो टाइम से जाएंगे। A few moments later. तो देखिए गाइस हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर, क्योंकि हम आए रिक्शे में और रिक्शे वाला ने हमें बहुत दूर छोड़ दिया है क्योंकि यहाँ पर बंद कर रखा रास्ता, पैदल का रास्ता है, सवारी नहीं जाएगी, ऑटो वगैरह कुछ नहीं जाएगा अंदर, इसलिए हम पैदल जा रहे हैं। और यहाँ देखिए मॉल है, यहाँ पर हम आते हैं फिल्म देखने मॉल में। तो इससे आगे है मॉल थोड़ी सी दूर। तो देखिए कितना अच्छा मेला लगा हुआ, कितने स्टॉल लगे हुए हैं। देखिएगा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है मेला और बैठे हैं गिराश वहां सभी लाख आज रखा में शरणा गत प्रतिभा तेरा ही बल है मुझे ये पकड़ा
शादी हो चुकी है, तो अब देखेंगे अगला पार्ट कल। तो अच्छा लगा, तो अच्छा लगा, काफ़ी भीड़ है, बहुत रश है, और बहुत पब्लिक है। बेकार लग रहे हैं, तो देखिए गाइस अभी भी मेला 11 बज गए। तो देखिए गाइस हम लोग आ चुके हैं, तो हम लोग आ चुके हैं, 11:30 हो गए हैं, और अनमोल सो गया, अनमोल के पापा भी सो रहे हैं। तो बहुत मजा आया हमें मेले में जाकर, और कल फिर जाएंगे, कल हम जाएंगे जल्दी क्योंकि बहुत ही मज़ा आया आज, तो इन्जॉय करेंगे कल भी हम। तो चलिए गए, तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन भी जरूर दबाएं। तो कल मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, नए ब्लॉग में एक नई टाइटल से, तब तक के लिए प्यार बाटी, खुशी बाटी, सुरक्षित रहिए, गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड टाटा, बाय बाय।